अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु यल्लरिगो नमस्कार गळु डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम क्या देखेंगे बोले तो ने लेटर राइटिंग इजी वे में कैसा लिखना उसके बारे में देखेंगे। ये एक ऑफिशियल लेटर है जो हम ऑफिसर्स को देते वो लेटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्मन्नु विजयपुरद संगमेश एंदु भाविसिकोंडु निम्म ऊरिन कोटे ಬೀದಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। ಯಾಕ ದೇಖೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ದೇಖೋ। ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೋಲೆ ತೋ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ವಿಜಯಪುರದ ವಿಜಯಪುರ ಏಕ ಗಾಂವ್ ಕಾ ನೇಮ್ ಹೈ ಸಂಗಮೇಶ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಸಂಗಮೇಶ ಸಮಜ್ನಾ ಹೈ ಕೋಸೆ ಕೋಸೆ ವಿಜಯಪುರ ಸೆ हाँ भाविसी कोंडु भाविसी कोंडु बोले तो अज्यूम करने को बोलते निम्मा ऊरी ना कोटे आपके गांव की क्या है कोटे बोले तो यहाँ पे खिले को बोलते देखो आपके गांव के खिले के रास्ते में बीदी के बोले तो रास्ते में नीरी ना सौलभ्य पानी की सुविधा नीर बोले तो पानी को बोलते बीदी बोले तो रास्ते को बोलते सौलभ्य बोले तो फैसिलिटी को बोलते ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। ಆಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕು ಯಹಾಂ ಪೆ ಲೆಟರ್ ಲಿಖನಾ ಹೈ ತೋ ವೋ ಲೆಟರ್ ಕೈಸಾ ಲಿಖ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇಖೆಂಗೆ। ಯಹಾಂ ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾ ಲಿಖನಾ ಹೈ ಇವರಿಂದ ಬೋಲೆ ತೋನೆ ಜೋ ಲೆಟರ್ ಲಿಖ್ ರಹೆ ಉನ್ಕಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಿಖನಾ ರಹೆತಾ। यहाँ पे क्या लिखना है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करे सो क्या मेंशन करे संगमेशा अपने आपको हम क्या समझना है संगमेशा तो एज इट इज हम यहाँ पे संगमेशा लिखना संगमेशा। उसके बाद क्या है बोले तो ने यहाँ पे कौन से गांव से है वो गांव का नेम भी है ऑलरेडी तो वो गांव का नेम लिखना है क्या है विजयपुरा विजयपुरा। इसके बाद हमें हमको क्या लिखना है इसका विजयपुरा का पिन कोड लिखना है क्या बोले तो 586101 इसका पिन कोड। इसके अलावा आपको विजयपुरा के अलावा कोई और गांव का नेम मेंशन करे तो वो गांव का नेम और पिन कोड डालना। यहाँ पे क्या हुआ हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है यहाँ पे एक लाइन छोड़ना। लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन पे यही रॉ में क्या लिखना है इवरिगे बोले तो जिसको हम लेटर दे रहे उनके बारे में लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करे क्या मेंशन करे बोले तो हमको किसको लेटर लिखना है जिला अधिकारी को तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आपके गांव के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है और यहाँ पे एज इट इज नेम लिखना है कौन से गांव के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को लिख रहे आप लेटर विजयपुरा के तो यहाँ पे वही नाम डालना विजयपुरा 586101। यहाँ तक आप लोगों के इंफॉर्मेशन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है एक लाइन छोड़ के विषय बोले तो किसे बोलते सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या दिए विषय निम्म ऊरिन कोटे बीदिगे नीरिन सौलभ्य ओदगिसि कोडुवंते सेम एज इट इज यहाँ से उठा के वहां पे लिखना। यहाँ पे क्या है निम्मा है ये निम्मा के जगह क्या लिखना हमको नम्मा लिखना क्या लिखना है न के जगह नी के जगह न लिखना ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಇತ್ನಾ ಚಾಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಲಿಖನಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಹಾಂ ಸೆ ನಿಕಾಲ್ ಕೆ ಯಹಾಂ ಪೆ ಚಿಪಕಾ ದೇನಾ ಯಹಾಂ ಪೆ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋತಾ ಕ್ಯಾ ಲಿಖನಾ ಹೈ ದೇಖೋ ಯಹಾಂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈ ನಿಮ್ಮ ಬೋಲೆ ತೋ ಆಪ್ಕಾ ವೋ ನಿಮ್ಮ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾ ಹೈ ನಮ್ಮ ಬೋಲೆ ತೋ ಹಮಾರಾ तो वो क्वेश्चन का एज इट इज यहाँ पे लिखना है नम्म ऊरिना कोट ऊरिना
ಕೋಟೆ ಬೀದಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ कोरी। इतना क्या हुआ आप लोगों का? सब्जेक्ट हो गया, समझ में आया। इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? मान्यरे। मान्यरे बोले तो किसे बोलते हैं? रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड सर, मैडम, हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ मान्यरे, रिस्पेक्टेड इतना भी लिख सकते हैं। उसके आगे आप लोग सर मैडम भी लगा सकते, नहीं भी लगाए तो चलता। मान्य रे लिखना। मान्य रे लिखने के बाद क्या लिखना है? मैटर लिखना है। क्या मैटर है, क्या नहीं, सारे चीजें लिखना है। ई मेलकंडा विषय के संबंधिसिदंते ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೋಟೆಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒದಗಿದೆ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾವು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ मैटर हुआ। मैटर होने के बाद आप लोगों को क्या लिखना है एंड में? धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, देखो लाइन छोड़ के क्या लिखना है? धन्यवाद गळु, बोले तो सलाम करे जैसा। उसके बाद यहाँ पे एंड में, पूरा एंड में क्या लिखना है? निम्म विश्वासी अथवा विश्वास। निम्म विश्वासी यहाँ पे। इसके बाद हमें आप लोगों को क्या लिखना है? यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जो यहाँ पे मेंशन है आपके क्वेश्चन में। मेंशन जो नेम है वो नेम आपको यहाँ पे लिख के सेंड करना है। क्या है वहां पे? संगमेश, व्हिच एज इट इज यहाँ पे लिखना है, संगमेश। इतना लिख के यहाँ पे सेंड करना। यहाँ पे आप लोगों का लेटर क्लोज होता। आप लोगों का 80% लेटर आप लोगों के क्वेश्चन में रहता, सिर्फ वहां से वर्ड्स उठा के यहाँ पे चिपकाना रहता और ये मैटर थोड़ा अपने हिसाब से बनाना रहता और कुछ भी नहीं। इतना भी लिखे ना आप लोगों को पूरे 5 मार्क्स मिलते और 1-2 ये इतना लिखे तो 2 मार्क्स मिलते, ये सब्जेक्ट लिखे तो 1 मार्क्स 3 मार्क्स यहीं पे मिले। सब्जेक्ट तो एज इट इज चिपकाना रहता। हमेशा याद रखो निम्मा जहां भी रहता वहां पे क्या करना है? नम्मा लिखना है। सब्जेक्ट में निम्मा है तो नम्मा लिखना, बाकी का यहाँ तक एज इट इज लिखना है। ये कोरी तो खाली ऐड करना रहता। उसके बाद मान्यरे लिख के आपका मैटर आपके हिसाब से आप लोग सेंटेंस बना के लिखना। उसके बाद धन्यवाद बोलो। धन्यवाद बोले तो लास्ट में एंड में हम क्या करते? थैंक यू, नमस्कार बोलते ना वैसा।
इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का निम्मा विश्वासी युवर फेथफुल युवर क्या लिखते हैं ना वो उसी को बोलते हैं निम्मा विश्वासी। यहाँ पे नेम लिखना सिग्नेचर कर देना, इतना आप लोगों का लेटर रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। थैंक यू।